हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहगल एजुकेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 सुपर कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपके एमएस वर्ड के काम को और भी ज़्यादा आसान कर देंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इसको ट्रिक भी कह सकते हैं और हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शॉर्टकट और ट्रिक बताने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एमएस वर्ड में। तो मैं देखिए एमएस वर्ड में जाता हूँ सबसे पहले, और देखिए इसमें एमएस वर्ड में जाने के बाद मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ नीचे से। अब देखिए मुझे लेना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, बराबर RAND टाइप किया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मुझे इसमें कितने पैराग्राफ लेने हैं और कितनी कितनी लाइन के लेने हैं। अगर मुझे 2 पैराग्राफ लेने हैं और मुझे 5 लाइन के लेने हैं या 3 लाइन के लेने हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगा कितने पैराग्राफ लेने हैं। तो मुझे 2 पैराग्राफ लेने हैं तो मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया। अब मुझे लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद मुझे डालना है कि मुझे 3 लाइन के लेने हैं। तो मैं ब्रैकेट बंद करूँगा यहाँ पर 3 डालने के बाद और एंटर प्रेस करूँगा। तो अब मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए होंगे 3-3 लाइन के। ये देखिए मेरे सामने, आपके सामने 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, और ये 3 लाइन ये छोटा करके मैं दिखा रहा हूँ इसलिए इतनी लाइन दिखा रहे हैं। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँगा तो ये 2 लाइन के ही पैराग्राफ होंगे। ये देखिए ये आपके सामने हो गए। अब इन पैराग्राफ को आपको इसी तरीके से, अगर पैराग्राफ दोबारा से मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, अगर मुझे बराबर RAND टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पर डाला 1, कॉमा लगा के भी मैंने डाला 1, ब्रैकेट बंद करता हूँ एंटर मारता हूँ, तो देखिए एक पैराग्राफ आ गया एक लाइन का। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन एक है और ये एक ही पैराग्राफ आया है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट ट्रिक। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो सेकंड ट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ ये मेरा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और कॉपी करने के बाद इसको मैं एंटर मार के पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ये देखिए ये पैराग्राफ बन गया मेरा। अब मुझे क्या करना है इसमें, इस पैराग्राफ को, पहले वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और इसके बाद मैं फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको मैं कलर कर देता हूँ इस टाइप का, मैंने इसे कलर भी कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये सेम चीज़ मेरी इसमें भी लग जाए, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से किसी भी एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट पेंटर आ रहा है, इस फॉर्मेट पेंटर में जाना है, और अब मुझे जिस लाइन को इसके जैसा बनाना है उस लाइन को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं जैसे उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो वो भी सेम टू सेम ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह बन जाएगा। तो ये होती है हमारी दूसरी ट्रिक। अब हम चलते हैं अपनी, देखिए अब मैं आपको अपनी तीसरी ट्रिक की तरफ ले चलता हूँ। और तीसरी ट्रिक में क्या होता है, ये देखिए जैसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं इसे MS वर्ड को बंद कर लेता हूँ पहले मैं, और फिर मैं अब इसे दोबारा MS वर्ड को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। तो मैं गया स्टार्ट प्रोग्राम में और मैंने MS वर्ड को ओपन किया, तो देखिए क्या होता है, MS वर्ड को मैं जैसे ही ओपन कर रहा हूँ तो आपके सामने ये एरियल आ रहा है और ये 22 आ रहा है साइज। ये मैंने पहले से डिफ़ॉल्ट लगा रखा है एरियल और 22। अगर मुझे इसे चेंज करना है, या मैं चाहता हूँ कि जब मैं पैराग्राफ को अपना MS वर्ड ओपन करूँ तो यहाँ पे हिंदी फॉन्ट आए और 22 पैराग्राफ 22 साइज आए, तो मैं कैसे करूँगा, यही मेरी तीसरी ट्रिक है। तो इसको मैं बताता हूँ आपको, देखिए सब पड़ेगा। और फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर अभी एरियल सेलेक्ट है, तो एरियल की जगह मैं यहाँ पर हिंदी का फॉन्ट लगा देता हूँ। जैसे मैं लगा देता हूँ कृतिदेव मेरा हिंदी का फॉन्ट है, इसमें मैं लगा देता हूँ आपके सामने। देखिए कृतिदेव मैं ढूंढ लेता हूँ, कृतिदेव नहीं है तो मैं ये आया था कृतिदेव, एक बार मैं आपको लगा करके बता देता हूँ। ये आपको सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है इस काम को। तो देखिए ये मैं एक बार आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कृतिदेव आ जाएगा। ये देखिए ये कृतिदेव 10 आ गया, अब तो कृतिदेव 10 आ गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया। और यहाँ से मुझे जो भी साइज़ लेना है, साइज़ मुझे 22 या 24 लेना है, 24 लगा दिया मैंने। अब मुझे बोल्ड में लिखना है कृतिदेव में, तो बोल्ड भी सिलेक्ट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर जाता हूँ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ, एक बार मैं डिफ़ॉल्ट पे गया, और डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने के बाद मुझे करना है येस, और येस करके मुझे क्लोज़ कर देना है। तो देखिए अब मैं इसमें काम करता हूँ कुछ भी, तो देखिए हिंदी में आ रहा है सब, और आपका फॉन्ट स्टाइल भी वही आ रहा है जो आपने डाला था, बोल्ड भी आ रहा है और साइज़ भी आपका वही सेम आ रहा है।
तो अब आप इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद एक बार मैं इसे दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं दोबारा एमएस वर्ड में गया, और एमएस वर्ड में अगर मैं जाऊँगा तो देखिए आपके सामने कृति देव ही फॉन्ट ओपन होकर के आएगा। साइज भी जो आपने डिफॉल्ट में डाला है वही आएगा, और बोल्ड डाला है तो बोल्ड आएगा, नहीं डाला तो बोल्ड नहीं आएगा। तो देखिए अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए आपके सामने कृति देव का फॉन्ट आ रहा है और साइज भी वही आ रहा है। तो ये हो गई मेरी आप थर्ड ट्रिक। अब मैं चलता हूँ आपको चौथी ट्रिक की तरफ लेकर चलता हूँ, फोर्थ। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ। चौथी ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा सबसे पहले, और इंसर्ट में जाने के बाद मैं जाऊँगा शेप में, और शेप में जाने के बाद जो भी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, जैसे मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूँ पकड़ के यूँ ड्रॉ करूँगा। तो देखिए जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ी सी लाइन मेरे से टेढ़ी बन जाएगी, मतलब थोड़ी सी तिरछी टाइप की हो जाएगी। तो उसको सीधा करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा बर्बाद होगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐसे करने में। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसको सीधा कर रहा हूँ तो देखिए कई बार मुझे लेना पड़ा तब जा करके ये सीधी हो रही है। तो क्या करें कि ऐसा कुछ क्या करें हम कि ये एक ही बार में बिल्कुल सीधी खिंच के आए। तो हमें क्या करना है, दोबारा इंसर्ट में जाना है और शेप में जाना है, दोबारा वो लाइन लेनी है, और लाइन लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, जैसे मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा और अब मैं किसी लाइन को करूँगा तो वो बिल्कुल सीधी आएगी। देखिए दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस करके रख रखा है कीबोर्ड से, और अब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। अगर आपको ऊपर की तरफ लेनी है तो आप ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको। अगर आप थोड़ा सा तिरछे में लेनी है लेकिन सीधा लेना है बिल्कुल, तो आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये हमारी होती है फोर्थ ट्रिक। अब हम चलते हैं, तो देखिए फिफ्थ ट्रिक में हमारा क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ ट्रिक। ये आ गया हम अपनी फिफ्थ ट्रिक में। तो फिफ्थ ट्रिक में मुझे क्या करना है, देखिए मुझे कुछ लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, देखिए मैं जैसे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ शॉर्टकट के थ्रू, तो शॉर्टकट के थ्रू मुझे कैसे लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं देखिए 3 बार माइनस प्रेस करता हूँ और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए एक सीधी लाइन आपके सामने ड्रॉ हो जाएगी। मैंने क्या किया, 3 बार माइनस प्रेस किया, फिर एंटर प्रेस किया, देखिए आपके सामने लाइन ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से मुझे थोड़ी सी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं क्या दबाऊँगा, मैं शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट के साथ मैं 3 बार माइनस प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ तो थोड़ी सी मोटी लाइन आएगी। अब मुझे डिजाइनिंग लाइन प्रेस करनी है, अब मुझे डिजाइनर वाली लाइन प्रेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए शिफ्ट के साथ मैं हैश दबाऊँगा, हैश की मैं 3 बार दबाऊँगा। लेकिन ये आप ज़रूर ध्यान रखना, देखिए जैसे मेरे संग हुआ है, मैंने हैश की दबाई और रू दब गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका फॉन्ट जो है वो इंग्लिश में लगा होना चाहिए, इंग्लिश फॉन्ट होना चाहिए। तो इंग्लिश फॉन्ट हमारा, जैसे मैं एरियल लगा देता हूँ फॉन्ट, तो देखिए जैसे मैंने ये एरियल सेलेक्ट कर दिया। अब मैं देखिए शिफ्ट के संग मैं प्रेस करता हूँ 3 बार हैश, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये डिजाइनिंग लाइन आ गई, आपकी डिजाइनर वाली लाइन आ गई। अब मुझे अगली लाइन प्रेस करनी है, तो मैं देखिए क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ मैं स्टार, 3 बार मैं अगर स्टार प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ, फिर एंटर प्रेस करूँगा, तो देखिए पॉइंट 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 वाली लाइन, डैश डैश वाली लाइन ये आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी लाइन आपको बनानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये पांचों ट्रिक आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये पांचों ट्रिक समझ में आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझे आप कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी ट्रिक आपको पसंद आई, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।